ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 सितंबर 2019, शनिवार का दिन है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। महालक्ष्मी व्रत इस दिन संपन्न होगा। सप्तमी का श्राद्ध भी इस दिन संपन्न होगा। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल ग्रह सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ, ये 6 राशियाँ महाभाग्यशाली रहने वाली है। इस 6 राशियों के लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कुछ करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आज आपकी प्रतिष्ठा बचाने की आप कोशिश कर सकते हैं। साहस के दम पर सभी कामों को निपटा लेंगे। साथ काम करने वालों के प्रति आप बेहद उदार रहेंगे। आपको ज़्यादातर कामों में सफलता मिलेगी। मानसिक परेशानियों पर नियंत्रण आपका बना रहेगा। किए गए कामों के परिणाम से आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा है। नए लोगों से मुलाकात होगी। फालतू खर्च बिल्कुल न बढ़ने दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारण आपको परेशानी हो सकती है और उपाय के रूप में यदि आप एक बूंद गंगा जल पिएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। सूचे हुए काम आपके पूरे होने का योग है। यात्रा हो सकती है। किसी चलते हुए काम में आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इससे बड़े लोग आपसे खुश रहेंगे। नए तरीके से काम करने की कोशिश आप करेंगे। आज आप सफल हो जाएंगे। शांति और समझौते का मन बनाकर घर परिवार के मामले सुलझा सकते हैं और कोई व्यक्ति यदि आपसे नाराज होगा तो उसे भी आप मना लेंगे। आपकी योजना किसी ने ठुकरा दी तो आप परेशान न हो, इस नई हालत को ही स्वीकार कर ले। शांति से काम करें। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। भूमि, भवन या वाहन संबंधी समस्या जो आपकी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। बिजनेस के काम के लिए आपको बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और उपाय के रूप में आटे की गोलियां बना करके यदि आप तालाब में बहाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी या धंधे में आपकी तारीफ होगी। प्रमोशन की खबर आपको मिल सकती है। कुछ मामलों में अच्छा फायदा आपको प्राप्त होगा। आपका मन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा। अचानक ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो धन लाभ के लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे। आप किसी को रोजगार देंगे। अपनी बात खुले तौर पर साफ ढंग से आप कह सकेंगे। झंझट समाप्त हो जाएगा। किसी काम में मेहनत ज्यादा रहेगी, फायदा भी अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से बचत बढ़ने के योग है। बिजनेस में प्रगति हो सकती है। अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न करें। आपके सामने थोड़े जोखिम भरे काम हो सकते हैं। पैसा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम भी आप ले सकते हैं। आज थोड़ी परेशानियां आपके साथ रहेगी लेकिन आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में भोजन के बाद यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो काम चल रहा है वह पूरा हो जाएगा। जिम्मेदारी का कोई काम आपको मिल सकता है। आप अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होंगे। परिवार के कामों पर ध्यान देंगे। प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा। खान पान पर संयम रखना जरूरी है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। खुद पर भरोसा रखते हुए सभी कामों को करें। विवादों से दूर रहे और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई गरीबों में दान करें। इससे दिन आपका फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके करियर में कुछ नया करने का अवसर आपको मिलेगा। वर्तमान नौकरी से आप संतुष्ट हैं तो इससे आपके काम की तारीफ होगी। आपको पुरस्कार प्राप्त होगा, पदोन्नति आपकी हो सकती है। कई तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ज्यादा चिंता न करें, मन में चल रही बेचैनी पर कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे। नए बिजनेस में हाथ डालने के पहले अच्छी प्रकार से विचार करें। आज आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सफल हो जाएंगे। और उपाय के रूप में हरे कपड़े में मूंग रख करके गणेश जी के मंदिर में दान करना शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। मौज मस्ती और सुस्ती से आपके काम प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आलस से बिल्कुल न करें। आज के अनुभव आपको नई चीजें सिखा सकते हैं। जहां तक हो सके हर समय धैर्य रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई नया काम आपको रोचक या सरल लग सकता है। किसी जानकार से बात करने के बाद ही कोई नया काम हाथ में ले। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। विकास की योजनाएं बन सकती है। बार बार आपकी एकाग्रता भंग होगी, थोड़ी भाग दौड़ बनी रहेगी और परेशानियां भी आ सकती है। जिस काम में हाथ डालने के लिए आप संकोच कर रहे हैं, फिलहाल उसको आपको पोस्टपोन करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में शहद का भोग लगा करके प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। काम का बोझ न के बराबर रहेगा। जरूरी काम किसी के सहयोग से पूरे हो जाएंगे। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपको बड़ा फायदा मिल जाएगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी परेशान बुजुर्ग व्यक्ति या छोटे व्यक्ति की मदद आप कर सकते हैं। खरीदारी का योग है। अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आप सोच सकते हैं। कुछ भी करने के पहले परिवार के लोगों को विश्वास में जरूर ले। दिन का थोड़ा समय शांति और आनंद से व्यतीत होगा। बिजनेस में कर्मचारियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवान सूर्य देव को यदि आप लाल चंदन जल में मिला करके जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप दूसरों की किसी परेशानी में पड़े व्यक्ति की जितनी मदद करेंगे भविष्य में उतना ही अधिक फायदा आपको होगा। थोड़ा धैर्य रखें और हंसी मजाक करके थोड़ा हल्का कर ले, सब कुछ सुलझ जाएगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होने का योग है। आपको किसी काम से फायदा भी हो सकता है। यात्राओं का योग बन रहा है। बिजनेस सामान्य रहेगा। दोस्तों से आपको मदद प्राप्त हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सफलता मिलेगी, बस कोशिश करना न छोड़े। अचानक मोड़ लेने वाले किसी घटनाक्रम से घबराए नहीं। मन में जो भी बात है वह कहने की इच्छा होगी। खुद को व्यस्त रखें। काम काज ज्यादा रहेगा। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम आप शुरू कर सकते हैं और जो काम आप शुरू करेंगे उसका कुछ दिनों के बाद आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में यदि आप दही चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिवार के काम और अपने शौक पूरे करने में आप व्यस्त रहेंगे। दूसरों की मदद करने के अवसर भी मिलेंगे। कोई समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ कामों में आप बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। खुद को सीमित रखने की न सोचे और घर से बाहर निकल करके कुछ कामों में आपको आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा और कुछ ऐसे काम जो आपके बहुत दिनों से अटके हुए हैं या रुके हुए हैं उनके भी पूर्ण होने की संभावना है। और उपाय के रूप में यदि आप काले तिल का दान हनुमान जी के मंदिर में करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। बुजुर्गों की सेवा या उनकी मदद करें। कार्यक्षेत्र में आप काफी सफल रहेंगे। कामकाज से जुड़ी कोई खास बात आप शेयर कर सकते हैं। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे। बिजनेस में फायदा होगा। आपकी तारीफ होगी और सम्मान भी बढ़ेगा।
सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। आसपास के लोगों की मदद से काम आपके पूरे हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। कोई ऐसा काम भी हो जाएगा जिससे मानसिक तनाव आपका कम होगा। और उपाय के रूप में यदि कोई भी पीला फल आप खा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कामकाज के लिहाज से दिन पॉजिटिव है। कुछ मामलों में किस्मत का साथ पूरा मिलेगा। सही फैसले आप लेंगे। कोई खबर आपको खुश कर सकती है। नौकरी तथा बिजनेस में किसी न किसी मामले को लेकर के आप बेफिक्र रहेंगे। आपको किसी निवेश में अनुभवी इंसान की सलाह या मदद मिलेगी। नौकरी से जुड़ी कोई बात आपको खुश कर सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद 1 इलायची खाते हैं आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय एवं भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।